आस्था, ये तीन अक्षरों का शब्द, इसे जितना समझो उतना कम है। हमारी मंजिल राजस्थान में खाटू श्याम जी की है। माना जाता है कि बर्बरीक हारे का सहारा है, या कहो शीश के दानी है। जब कृष्ण भगवान ने उनसे उनका सर मांगा तो उन्होंने बिना संकोच के ही दे दिया। तभी कृष्ण भगवान ने उन्हें अपना नाम दिया, श्री श्याम। मैं पहली बार इनके दर्शन करने जा रहा हूं। रात के 11 बजे हम निकलने की तैयारी में हैं, ताकि सुबह पहुंचकर जल्दी से दर्शन कर लिए जाए। बोल खाटू नरेश की जय। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें भूख लगने लगी और हमने एक एक बर्गर खाया। और फिर चल दिए। पर अचानक याद आया कि यार पोल्यूशन करा लिया जाए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 300 किलोमीटर के सफर के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से भक्त परिक्रमा शुरू करते हैं। इस वक्त 3 बजे हैं और लोग यहीं से नजर आ रहे हैं। मार्च में ये खाटू फागुन मेला का अगला रविवार का दिन है। हमें यहाँ भीड़ मिलना लाजमी है, पर हमने बेफिक्री से नाश्ता किया, कचौड़ी और कड़ी का, सुबह 5 बजे से थोड़ा सा पहले। यहाँ प्रसाद में सबसे ज्यादा चूरमा मिलता है और हमने वही लिया, फिर चल दिए दर्शन करने। भीड़ का अंदाज़ा लगने लगा भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा है। जिस हिसाब से पीछे के द्वार से प्रवेश कराया गया है, एक घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद हम रेलिंग्स के अंदर पहुँच ही गए। ये सिस्टम भीड़ भड़क्के को रोकने के लिए काफ़ी सही है। करीब करीब बहुत करीब आते जा रहे हैं हम मंदिर के। और ये लीजिए, ये रहा द्वार जिसकी हमें बेसब्री से तलाश थी। इस वक्त 6:40 हो रहे हैं घड़ी में। वीडियो को 5 मिनट के लिए रोका और मम्मी को वीडियो कॉल के ज़रिए दर्शन कराए, बहुत ही खूब। फिर दोबारा स्टार्ट हमारा कार्यक्रम। काफ़ी सारी कतारें हैं यहाँ पर, सिर्फ एक लाइन ही बिल्कुल आगे से होगी गुजरती है, वो शायद VIP लाइन है। खैर जाने दो, हमारी किस्मत में दर्शन यहीं से लिखे हैं। जितना भी है बढ़िया है। भीड़ काफी होने के कारण बाहर निकलना पड़ा, पर जाते जाते एक सेल्फी तो बनती है यार। और फिर एक प्याज कचौड़ी भी। अब हम घर को निकलने ही वाले थे कि अचानक याद आया कि एक नया मंदिर थोड़ा सा आगे की ओर बना है, वहां भी चक्कर मार ही आते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत शांत और सुंदर सा है। तो अभी हम हैं मनोकामना पूर्ण लक्ष्मी माता के मंदिर में, जो कि नया नया यहाँ बन रहा है, खाटू श्याम मंदिर के थोड़ा सा आगे, 5-6 किलोमीटर, बहुत
शांति है यहाँ बहुत ज़्यादा। जो 6 किलोमीटर है ना वो रास्ता भी इतना प्यारा है। कुछ समय हमें मिला और साथ में ये छोटू भी, इसको बिस्किट खिलाया और थोड़ा बहुत खेले इसके साथ। अब मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। इसकी कहानी विचित्र सी है, पढ़ना ज़रूर गूगल पर। बस इसके बाद एक जगह कुछ तगड़ी सी फोटो क्लिक कराई और कुछ देर रुके खुद को थामने के लिए, बस फिर चल दिए घर की ओर। सीने में आग, ए आग में भी आन चाहिए, रिमझिम बरसात बातों से भी साफ।